फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी नवीन जहिंद ने पलवल में चुनाव प्रचार अभियान चलाया। इस अवसर पर नवीन जहिंद का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा के लोकसभा चुनाव में जेजेपी और आप गठबंधन के उम्मीदवारों के सहारे जीत का दावा कर रही है। फरीदाबाद से आप उम्मीदवार नवीन जहिंद बीजेपी उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। पलवल में नवीन जहिंद ने चुनाव प्रचार किया और आप जेजेपी के समर्थन में वोट मांगे। नवीन जहिंद ने कहा कि जेजेपी और आप नए हरियाणा को बनाने का काम करेगी। से कोई लेना देना नहीं इनको। आप लोग रहते हो जहाँ पे आपकी गलियां, आपकी सड़कें, आपके शिविर, आपको समस्या होती होगी। ये जो चौकीदार बने घूम रहे हैं ना, ये हजारों करोड़ रुपए जिंदगी लूट के रखे हुए हैं। आम आदमी यदि हमने एक रुपया नहीं खा रखा, ईमानदार पार्टी है। अरविंद केजरीवाल, दुष्यंत चौटाला जी, सारे के सारे हम नया हरियाणा बना सकते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है जी। ना हम दारू बांट सकते, ना पैसा बांट सकते हैं। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने विकास कार्य नहीं की और यही वजह है कि कृष्णपाल गुर्जर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अब देखना ये होगा कि फरीदाबाद की जनता किन मुद्दों पर वोट करती है। पलवल से रवि कुमार की रिपोर्ट, खबरें अभी तक।